हेलो यूट्यूबर्स, दिस इज़ जिशान अकबर। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को वर्डप्रेस का एक फ्री प्लगइन इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा हूं, जिसका टाइटल है WP कॉन्टैक्ट स्लाइडर। और ये जो है, सबसे पहले तो मैं इस प्लगइन के बारे में बताता चलूं कि ये प्लगइन किस लिए है और इस प्लगइन में फीचर्स क्या क्या हैं। तो ये प्लगइन जो है, बेसिकली एक सिंपल कॉन्टैक्ट स्लाइडर है जो कि डिस्प्ले करता है कुछ वर्डप्रेस के कुछ प्लगइन्स हैं, जो कि जैसे कि कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, ग्रेविटी फॉर्म, WP फॉर्म्स, कैल्डेरा फॉर्म्स, कॉन्स्टेंट कॉन्टैक्ट फॉर्म्स और डिस्प्ले रैंडम, और ये रैंडम टेक्स्ट और HTML वगैरह डिस्प्ले करने के लिए बेसिकली बनाया गया। यू कैन यूज़, अब इसमें जो है, जो इसके फीचर्स हैं, इसके सेटिंग्स, उसमें आप ये है कि स्पेसिफिक पेजेस में भी इसको एनेबल कर सकते हैं, आप अपने ऑल पेजेस में भी कर सकते हैं, आप स्मॉल डिवाइसेस के लिए अपनी स्क्रीन इसको हाइड कर सकते हैं। और इसके अलावा इसमें जो यूज़ होगा वो हर इन सारे प्लगइन्स कोर्स और शॉर्टकट के थ्रू ही हम अपने स्लाइडर को फ्रंट एंड पे डिस्प्ले कर सकेंगे। तो इसके जो फीचर्स हैं वो ये हैं, डिस्प्ले प्लेन टेक्स्ट और HTML, ग्रेविटी फॉर्म्स शॉर्टकट सपोर्ट, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 शॉर्टकट सपोर्ट, WP फॉर्म्स शॉर्टकट सपोर्ट और वगैरह वगैरह। तो मैं जो हूँ कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 यूज़ करूँगा, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 का यूज़ करूँगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम इस प्लगइन को डाउनलोड कर लेते हैं और हम डायरेक्टली अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड में चले जाते हैं। हम यहाँ से भी कर सकते हैं, प्लगइन्स में जाके ऐड न्यू करेंगे और हम डायरेक्टली यहाँ से भी अपने प्लगइन को इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ मैं प्लगइन का टाइटल टाइप कर रहा हूँ, जो उसका नेम है WP कॉन्टैक्ट स्लाइडर। और स्लाइडर प्लगइन जो है वो लोड हो रहा है, ये देखें आप, ये WP कॉन्टैक्ट स्लाइडर आ गया, ये WP एक्सपर्ट्स IO वालों का। तो इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। ये थोड़ा सा टाइम लेगा इंस्टॉलेशन में। और इसमें जो है बहुत फीचर्स हैं, रिच फीचर्स हैं, कि आप लेबल टेक्स्ट कलर, लेबल बैकग्राउंड कलर, फॉर्म बैकग्राउंड कलर्स, और इसी के साथ साथ आप कुछ सेटिंग्स हैं जो आप एनेबल कर सकते हैं। आप कुछ ये कि आपको दूसरे पेजेस में स्विच नहीं होना पड़ेगा। स्लाइडर आप क्लिक करेंगे, आपका स्लाइडर आपके सामने आ जाएगा, आपको दूसरे पेज में नेविगेट नहीं होना पड़ेगा। तो आप चलें इसे एक्टिवेट कर लेते हैं। प्लगइन जो है इंस्टॉल हो गया है, एक्टिवेट। एक्टिवेट के बाद हम इसको परमिशन, इसके अलाउ एंड कंटिन्यू करते हैं। तो जी, हमारा प्लगइन कॉन्टैक्ट है, एक्टिवेट भी हो चुका है। तो अब हम एक न्यू कॉन्टैक्ट स्लाइडर क्रिएट कर लेते हैं। रहा हूँ मैं इसका टाइटल रख रहा हूँ कॉन्टैक्ट स्लाइडर, सिंपल कॉन्टैक्ट स्लाइडर कर देता हूँ मैं इसे। और लेबल टेक्स्ट कलर फिलहाल मैं इसे ब्लैक कर देता हूँ, और लेबल का बैकग्राउंड कलर मैं इसे वाइट कर देता हूँ, लेबल बॉर्डर कलर मैं ब्लैक कर देता हूँ, और स्लाइडर का टेक्स्ट कलर भी ब्लैक ही रहने देता हूँ फिलहाल। तो अभी ये चार ऑप्शंस हमने, इन चार में चार फीचर्स में चेंजेस किए हमने, लेबल टेक्स्ट कलर, लेबल बैकग्राउंड, लेबल बॉर्डर और स्लाइडर। अब हम इसका जो है स्लाइडर की पोजीशन हम चेंज कर सकते हैं, लेफ्ट और राइट। अभी हम इसे राइट पे कर देते हैं। ये हमारे पास हाइड ऑन स्मॉल डिवाइसेस, अगर हम इस पे चेक कर देंगे तो ये हमारे देन 500 पिक्सल से जो लेस देन डिवाइसेस होंगे उनमें डिस्प्ले नहीं होगा। अब एक ऑप्शन ये है कि ओपन स्लाइडर बाय डिफॉल्ट, जैसे ही हम अपने पेज को रिफ्रेश करेंगे तो हमारा स्लाइडर जो है खुद ब खुद अपने आप ओपन हो जाएगा, ये इस चेक पे टिक करने से। तो डिस्प्ले ऑन होम, अगर आप चाहते हैं ये सिर्फ होम पेज पे शो हो तो ये इस पे चेक कर दें। डिस्प्ले ऑन ऑल पेजेस, तो ऑल पेजेस के लिए डिस्प्ले ऑन सिलेक्टेड पोस्ट एंड पेजेस, जो आपने पेजेस क्रिएट किए हुए हैं, ये जो बाय डिफॉल्ट होते हैं
उनमें आप शो करवाना चाहते हैं। अभी मैं कर देता हूँ डिस्प्ले ऑन ऑल पेजेस और ओपन स्लाइडर बाय डिफॉल्ट। तो अब मुझे जो है इसके लिए एक शॉर्ट कोड चाहिए होगा। व्हाट वुड यू लाइक टू डिस्प्ले, आप टेक्स्ट और एचटीएमएल शो करवाना चाह रहे हैं या पहले शॉर्ट कोड? तो पहले हम एक सिंपल एक फ्रेज लिख ले, दिस इज ए डिस्क्रिप्ट सकते हैं, और इसे हम पहले डिस्प्ले करवा लेते हैं, इसे सेव करते हैं और पहले हम देख लेते हैं टेक्स्ट और एचटीएमएल। इसको राइट क्लिक करके मैं इसको न्यू टैब पे खोल लेता हूँ और मेरा स्लाइडर जो है आप देख सकते हैं ये आ रहा है, ओपन स्लाइडर अपने आप खुला है ये। दिस इज ए डिस्क्रिप्शन, आप सिंपल टेक्स्ट और एचटीएमएल भी डिस्प्ले करा सकते हैं। इसे मैं क्लोज कर देता हूँ, वापस से अपनी सेटिंग्स पे आ जाता हूँ, बैकएंड सेटिंग्स पे, और अब जो है मैं इसका स्लाइडर का बैकग्राउंड कलर में चेंज कर देता हूँ ग्रे, और फॉर्म का बैकग्राउंड कलर में थोड़ा डार्क ग्रे कर देता हूँ, और फॉर्म का बॉर्डर कलर ब्लैक ही रहने देता हूँ। अब पोजिशन इसकी मैं चेंज कर रहा हूँ लेफ्ट पे, और आप अगर स्मॉल डिवाइसेस के लिए हाइड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं डिस्प्ले ऑन होम। अब मैं इसको ओपन स्लाइडर बाय डिफॉल्ट से हटा रहा हूँ, जब मैं क्लिक करूँगा तो ही ओपन होगा। तो अब जो है मैं शॉर्ट कोड सपोर्ट कर रहा हूँ। अब इसके लिए जो है मुझे कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 प्लगइन इंस्टॉल करना होगा, तो मैं प्लगइन्स में जाता हूँ और एड न्यू प्लगइन करता हूँ। अब जो है मैं कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 प्लगइन इंस्टॉल कर रहा हूँ, जिसका शॉर्ट कोड हम यूज़ करेंगे कॉन्टैक्ट फॉर्म 7। जी तो ये प्लगइन हम इंस्टॉल कर रहे हैं, इंस्टॉल नाउ। ये भी इंस्टॉलेशन में थोड़ा सा टाइम लेगा, तो इसका शॉर्ट कोड हम यूज़ करेंगे और इसके थ्रू हमें जो है एक कॉन्टैक्ट फॉर्म डिस्प्ले हो जाएगा, जिसमें आपका ईमेल होता है, आई थिंक पासवर्ड होता है, और एक मैसेज का टेक्स्ट एरिया फील्ड होता है। तो ये प्लगइन भी एक्टिवेट हो गया है। इसके सेटिंग्स में चले जाते हैं, कौन से ऐड करते हैं कॉन्टैक्ट फॉर्म्स में, एक कॉन्ट पहले से ऐड हुआ हुआ है बाय डिफॉल्ट, क्योंकि मैं पहले इसको टेस्ट कर चुका हूँ। तो ये अब मैं इसे ऐड न्यू कर रहा हूँ और टाइटल में दे रहा हूँ CF7 कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, ठीक है। इसमें जो है लेबल योर नेम रिक्वायर्ड, इसमें 3 फील्ड्स हैं, योर नेम, ईमेल और सब्जेक्ट, और सॉरी मैसेज, 4 फील्ड्स हैं इसमें। तो बाकी ये इसकी सेटिंग्स हैं, अगर आप इसकी सेटिंग्स वगैरह चेंज करना चाहते हैं, जैसे इन्होंने मेरा बाय डिफॉल्ट जो ईमेल एड्रेस मैं यूज़ कर रहा हूँ इसमें वर्डप्रेस में, मेरा ईमेल एड्रेस यहाँ शो हो रहा है। अब मैं इस सेटिंग को सेव करता हूँ तो मुझे एक शॉर्ट कोड यहाँ पे शो होगा, ये मेरा शॉर्ट कोड है, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और अपने स्लाइडर पे चला जाता हूँ। स्लाइडर के सेटिंग में जाके शॉर्ट कोड में अपना शॉर्ट कोड यहाँ पेस्ट किया और अब मैं अपने सेटिंग्स को अपडेट कर रहा हूँ। तो इसको देख लेते हैं, न्यू टैब पे खोला, अब मेरा स्लाइडर की हमने पोजीशन चेंज की थी लेफ्ट पे, तो इसे ओपन किया। अब आप देख सकते हैं बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो गए और एक फॉर्म अपेयर हो गया, ये हमारा कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 है जो कि यहाँ पे हमें डिस्प्ले हो रहा है। तो डेट्स इट। आप मज़ीद अगर प्लगइन्स यूज़ करना चाहते हैं, जो यानी कि जो इनके फीचर्स मज़ीद और प्लगइन्स को भी सपोर्ट करता है, ये प्लगइन कॉन्टैक्ट स्लाइडर, ग्रेविटी फॉर्म है, WP फॉर्म से, कैल्डेरा फॉर्म से, कॉन्स्टेंट कॉन्टैक्ट फॉर्म्स, पायरेट फॉर्म्स, फॉर्मेटेबल, बहुत अच्छे फीचर्स हैं। आप अगर ये यूज़ करना चाहते हैं, आप अपने प्लेन टेक्स्ट और HTML भी डिस्प्ले करा सकते हैं उस स्लाइडर में, आप कुछ भी शो करवाना चाहते हैं वो करवा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करें, शेयर किया। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कॉमेंट्स में पूछ सकते हैं, और लास्ट यही कहूँगा कि आप लोगों ने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।